ड्रामा राइटर खलीलुर्रहमान कमर के हनी ट्रैप का ड्रॉप सीन, केस में नामजद दो मुलजमान गिरफ्तार। मरकजी किरदार और वीडियो लीक करने वाला मुलजिम हसन रजा ननकाना से गिरफ्तार हुआ। एक और मुलजिम मोहम्मद रफीक को पिशावर से गिरफ्तार किया गया। खलीलुर्रहमान कमर ने कानूनी जंग के लिए वकील की खिदमात भी ले ली हैं। बढ़ती महंगाई और बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना। PP 169 के कारकुनान रिहाई के बाद इस्लामाबाद धरने में शिरकत के लिए रवाना। नायब अमीर जमात इस्लामी जनूबी लाहौर अहमद सलमान बलोच ने रिहा कारकुनों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। अहमद सलमान बलोच बोले, हाफिज नईमुल रहमान साबित कदम है, IPP से छुटकारे की खुशखबरी जल्द मिलेगी, बिजली यूनिट की कीमत कम होकर रहेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की सरबराही में पंजाब काबीना का 12वां इजलास आज तलब। 17 निकाती एजेंडे पर मुश्तमिल इजलास 12:30 बजे वज़ीर आला ऑफिस में होगा। तलबा के लिए पंजाब बैंक से 10,000 मोटर बाइक्स का मनसूबा एजेंडे में शामिल। हिम्मत कार्ड की बाजारिया बैंक अदायगी के मनसूबे का भी जायजा लिया जाएगा। महमूद बोटी में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का मनसूबा भी एजेंडे में शामिल है। पंजाब में 450 किलोमीटर तवील 3 नए कॉरिडोर्स का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज ने खसूसी इजलास में नए कॉरिडोर की मंजूरी दे दी। साहिवाल से चिचावतनी रजाना और रजाना से लैया तक दो रोया सड़क बनाई जाएगी। दीपालपुर से बिहाड़ी तक सिंगल रोड कॉरिडोर दो रोया सड़क में बदल दिया जाएगा। शोरकोट जंग चराग वाली तक भी नए दो रोया सड़क बनाई जाएगी। 210 अरब रुपए की लागत से तीनों प्रोजेक्ट 2025 तक मुकम्मल होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 3 माह में नए कॉरिडोर पर तामीरात के आगाज का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज के दौरे इक्तदार में LTA गवर्निंग बॉडी की आज पहली प्री अथॉरिटी मीटिंग। वाइस चेयरमैन LTA मियां मरकूब अहमद इजलास की सदारत करेंगे। LTA गवर्निंग बॉडी का पहला बाज़ाब्ता इजलास 1 अगस्त को होगा। गवर्निंग बॉडी के 9 मुंतखब 12 अरकान को इजलास में शिरकत के लिए नोटिस जारी। इजलास का एजेंडा जारी। LTA वास्ता OTPA माली साल 2024-25 के बजट की मंजूरी लेंगे। 2023-2024 के रिवाइज बजट की भी मंजूरी ली जाएगी। डिपार्टमेंट ने 177 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नोटिफाई कर दिए हैं। ये होम डिपार्टमेंट ने इनको नोटिफाई किया और तमाम अथॉरिटीज़ उनके पास हैं कि वो मिलों पे जाके और जो आटा डीलर्स हैं उन पे जाके प्राइसेस और उसकी क्वालिटी को हर सूरत में इंश्योर करेंगे कि वो चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज की हदायत के मुताबिक वो प्राइसेस जो नोटिफाई किए हैं उनको इंश्योर करेंगे और उसकी क्वालिटी को इंश्योर करेंगे। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासिन कहते हैं, रवा माह सुबह भर में 1340 फ्लोर मिल्स की चेकिंग की गई। गवर्निंग की खिलाफ वर्जी पर 268 को शोकॉज नोटिस जारी और 304 फ्लोर मिल्स के लाइसेंस मुअत्तल किए गए। आम मार्केट्स में 29,425 मकामात को भी चेक किया गया। महंगा आटा फरोख्त करने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। चेयरमैन काबीना कमेटी ब्रायम बामांग ख्वाजा सलमान रफीक की जेर सदारत अहम इजलास हुआ। सूबाई वजीर चौधरी शाफी हुसैन की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। इजलास में सूबे भर में अमन अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के सेक्शन 19 के तहत 14 मुख्तलिफ केसेस के लिए JITs बनाने की मंजूरी दे दी गई। मुख्तलिफ अजला में 6 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की तैनाती की मंजूरी भी दे दी गई। ख्वाजा सलमान रफीक बोले, दहशतगर्दों को सजा दिलवाए बगैर माशरे में अमन कायम नहीं हो सकता। हाई कोर्ट में शहरी अरसलान की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत अदालत ने आज पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को कल तलब कर लिया। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने इलियास सादी की दरख्वास्त पर समाअत की। जिना हाउस हमला केस में मुलजमा हाजरा न्यासी समेत 25 मुलजमान की अबूरी जमानत में 9 अगस्त तक तौसी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज खालिद अरशद ने केस की समाअत की। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी ऑफिसर को रिपोर्ट्स पेश करने का हुक्म दे दिया। मुलजमान के खिलाफ थाना साइबर रोड में मुकदमा दर्ज है।
शहर में गिराफरोश सरगर्म सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी। प्याज 150, टमाटर 170, लहसुन 560, अदरक 750 रुपए में फरोख्त हो रहे। मिर्च 170, लीमू 600, टींडे 240, आलू 100 और मेथी 300 रुपए किलो में दस्तियाब है, जबकि सेब 450, आलू बुखारा 320, खुबानी और आम 250 और आड़ू 280 रुपए के किलो हो गए।